बात बच्चों, पिछले क्लास में हमने यहाँ पे कौन से प्रश्न उत्तर लिखना सीखा था कि सच्चा अपना घर होने के बाद हम सीखेंगे आज तीसरा वाला जो है अगली कहानी, उसके बारे में से जानने से पहले जो बाकी रह गया था उसको हम पूरा करेंगे। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे परिश्रम करने वाला है परिश्रम, अपने अपने टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 18, ये भी सीखे, ठीक है। जो परिश्रम करता है उसे परिश्रमी कहते हैं, जो पशु चराने वाला है वो चरवाहा कहते हैं, गांव में रहने वाला वो ग्रामीण है, सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक है, प्रतिदिन होने वाला वो दैनिक है, आलस्य करने वाला वो आलसी है, दूसरे से जलने वाला वो ईर्ष्यालु है, शहर में रहने वाला वो शहरी नागरिक है, माह में होने वाला वो मासिक है, डाका डालने वाला वो डकैत है, ठीक है। इस तरीके से ये वर्ड्स है। इसके बाद उदाहरण समझे और वाक्य को पूरे करें। देखिए यहाँ पे कहीं धूप है तो कहीं छाया है, यहाँ पे कई दिन है तो कई रात है, कई दिन कहीं पर सेकेंड वाला आता है, कहीं दिन है तो वहाँ पे जो यहाँ पे है वो यहाँ पे जो है यहाँ कहीं आता है, यहाँ रात आती है, ठीक है, कि कहीं दिन है तो कहीं रात है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, तो यहाँ पे तीसरा वाला जो है कहीं सुख था तो कहीं दुख है। उसके बाद चौथा वाला जो है, जहाँ जीवन है जीवन था वहाँ मरण भी है, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद पढ़े समझे और लिखे, पढ़े समझे और लिखे, ठीक है। यहाँ कहना कहकर, उठना उठकर, गिरना गिरकर, भरना भरकर, टकना टककर, लहराना लहराकर, कर लगाना है सिर्फ, उठाना उठाकर, लाना लाकर, समझाकर, छुड़ाकर, दौड़ाकर, फैलाकर, गिरकर, बनाकर, सभी सर तरफ कर लगाना है, लेकिन कह सही इसको अक्षर को इस्तेमाल करके। चलिए अभी हम तीसरे लेसन की तरफ चलते हैं, जो है विक्रमादित्य का सिंहासन, विक्रमादित्य का सिंहासन, ठीक है। विक्रमादित्य उज्जैन का राजा था, विक्रमादित्य उज्जैन का राजा थे, ठीक है। वे बहुत महान थे, प्रजा के पालन पोषण में वे अफार सब कुछ लुटा देते थे, वे हमेशा न्याय ही करते थे, उनकी शक्ति दूसरों को सताने के लिए नहीं उनकी रक्षा के लिए थी, वे बहुत बुद्धिमान विद्यावान थे और विद्वानों का बहुत आदर किया करते थे, उन्हीं के कालिदास थी, उन्हीं में कालिदास थी, ये जो बहुत बड़े कवि और नाटककार थे, उनके नाटक आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं, शकुंतलम उनमें से एक है, शकुंतलम उनमें से एक है, ठीक है। चलिए अब विक्रमादित्य की कहानी आप सब लोगों को, तो विक्रमादित्य का सिंहासन, विक्रमादित्य की इतनी अच्छी स्टोरी है ना, उसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। विक्रमादित्य एक उज्जैन का राजा थे, वे बहुत ही महान थे, उनका पालन पोषण करना यानी कि प्रजा की पालन पोषण करने के लिए सब कुछ अपना जान लुटा देते, वे हमेशा न्याय के स्वामी थे, उनकी शक्ति दूसरों के लिए नष्ट पहुंचाना नहीं बल्कि दूसरों के लिए यानी कि अपने प्रजा के लिए रक्षा करने के लिए
इस्तेमाल करते थे, वे बहुत ही विद्वान और विद्यावानों का बहुत ही आदर करते थे। उन्हें कालिदास की एक कालिदास भी थे जो बहुत बड़े कवि थे और नाटककार भी थे, उनके नाटक आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। शकुंतलम उनके में से एक है, जो कालिदास है ना उनके नाटक में से शकुंतलम भी एक है, ठीक है। उस समय उज्जैन बहुत सुंदर नगरी थी, परंतु धीरे धीरे वहाँ नष्ट होती गई। बहुत समय बाद वहाँ केवल खंडहर ही रह गया। उन्हीं खंडरों के बीच ग्वालों के लड़के गाय भैंस चराने करते थे, जानवर इधर उधर चरा करते थे और लड़के दिन भर खेलकूद में लगे रहते थे। तो यहाँ पे क्या है, उज्जैन एक बहुत ही सुंदर नगरी थी और धीरे धीरे करके पूरा नष्ट होते गया, और नष्ट होने के बाद वहाँ पे बहुत सारे केवल खंडर के जैसे बन गया और बहुत सारे लोग वहाँ पे खेलने के लिए आते थे, और खेलने के लिए गाय भैंस चराने के लिए या तो खेल कूद करने के लिए उधर उधर चारा खेलने के लिए चराने के लिए गाय भैंस भी आते थे। एक दिन की बात है, खेलते खेलते कुछ लड़कों का आपस में झगड़ा हो गया। ये लड़के को उसका फैसला करने के लिए कहा गया। लड़का मिट्टी के एक छोटे से ठीली में पीले बैठ गया और लड़ने वाले दोनों पक्षों के बात सुनाने लगा। ठेले पर बैठे ही न जाने उसे क्या हो गया कि वहाँ बहुत समझदारी से बातें करने लगा। सब हैरान रह गए, उसमें से इतनी समझ कहाँ से आई। तो एक दिन क्या हुआ, इतना बहुत सुंदर नगर था कि वहाँ पे सभी नष्ट होता गया, तो वहाँ पे खेल कूद चल रहा था और बकरियों भैंस को चराने के लिए लेके जाते थे। उसके बाद एक दिन क्या होता है, खेलते खेलते कुछ लड़के आपस में झगड़ने लगे। झगड़ने के बाद वहाँ पे एक बीच में लड़का वो एक फैसला बताने के लिए ही हट्टी ठेले पे बैठ गया। ठेले पे बैठने पर उसको ना जाने कहाँ से इतना समझ आया कि बहुत होशियारी से बातें करने लगा। यहाँ बातें करने लगा मतलब है यहाँ कौन है, ये कवि ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ बात गांव में जा पहुँची। उसी नगरी के राजा को यहाँ बात बता दी गई कि ठेले पर बैठते ही बालक न जाने क्या बहुत विद्वान हो जाता है। एक समझदार आदमी ने राजा को बताया कि उस स्थान पर ज़मीन के अंदर एक सिंहासन दबा खड़ा है, जिस पर अपने ज़माने में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य बैठा करते थे। उनके लड़का जब भी उस ठेले पर बैठ जाता था तो बुद्धिमानी से बातें करने लगता था, और यहाँ उसी सिंहासन पर प्रभाव है, उसी सिंहासन का ये सब कुछ प्रभाव है करके यहाँ पे कह रहा है। आगे की जो कहानी है वो हम अगले क्लास में सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है।